क्या रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है आप लोगों को? क्या रे, क्या रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है? ओके ओके सर, ओके सर, ठीक, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन चलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बात क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एनपीवी, आईआरआर, ये सब बात हो रहा था। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को बाकी डिस्कशंस कराता हूँ सर। चलो देखो कि कहाँ क्या डिस्कशन हो रहा था, आज क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी चलता है ना सर, तो बड़ा कंपनी जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों? इतना पैसा जो लगाया जाता है सर, हाँ, जैसे चाहे वो अदानी हो या अम्बानी, डजंट मैटर। बात अदानी का हो या अम्बानी का, डजंट मैटर सर। मैटर जो करता है वो ये है कि अल्टीमेटली बिजनेस में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और उसका प्रॉपर बजट भी बनाना चाहिए। ये सुनो, है ना? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक सामने आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है, इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी कुछ वाइटल टेक्निक के बारे में डिस्कशंस कर लिए हैं सर। इवन कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिटेल्स में हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए या याद दिलाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में 3 वाइटल पॉइंट है। एक, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोस एंड कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल क्लास केसेस। और उसके अंदर हम लोग सर बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग पे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक पे, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी कुछ वाइटल पॉइंट जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है या हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है या फिर हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है या फिर ऐसे बोलो हाउ टू कैलकुलेट IRR। फिर लास्ट क्लास मैंने आपको मॉडिफाइड IRR के बारे में भी बोला, मॉडिफाइड NPV के बारे में भी बात किया, MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मॉडिफाइड IRR, जहां पर हम लोगों ने ये देखा कि जो पैसा मुझे इनफ्लो के तौर पे, जो पैसा मैं मार्केट से रेज करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आज किसी ने मार्केट में 500 करोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, क्या रे, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? जैसे ये एक रिसेंट एग्जाम्पल है, कोई अदानी पावर किसी पर्टिकुलर कंपनी को एक्विजिशंस कर रहा है। अदानी पावर किसी कंपनी को एक्विजिशंस कर रहा है। एक्विजिशंस कर रहा है मतलब बाई कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना? ऐसे ये रिसेंटली बोला जा रहा है कि फॉल्ट कर दिया, बट अगर मानो जैसे कितना कितना मिलियन का वैल्यूएशन, मिलियन का है सर, करीब 7000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है। हाँ बोल बोल, क्या बोला? बुझलम नारे कथा रे केटे जाच्छे। हेलो, आवाज तो केटे जाच्छे। हाँ, কি বলছিস বল কথাটা, কি কোশ্চেনটা করলি? হ্যালো, বলছিস স্যার এই কিছুদিন আগে অম্বুজা সিমেন্ট নিল। হ্যাঁ, অম্বুজা সিমেন্ট কো লিয়া, এসিসি কো লিয়া, হ্যাঁ না, এসিসি অম্বুজা দোনো কো খরিদা, অ্যাকুইজিশনস কর লিয়ে। আর ও তো আদানি এন্টারপ্রাইজ নে কিয়া, ইয়ে আদানি রিসেন্টলি হ্যায়, ঠিক হ্যায়, ইসকা নিউ অ্যাকুইজিশনস হ্যায়, মতলব বাত চল রহা হ্যায়। তো
अब आई डोंट नो, मैंने अभी पूरा खबर नहीं देखा कि सच में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है या कितना करना चाहता है, बट अगर मोटा मोटी जो न्यूज आ रहा है इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट से, मोटा मोटी सर 7,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मैं अदानी का एसीसी या इसका भी बात करूं, वहां पर भी आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है क्या। तो जैसे कि अदानी ने एसीसी अंबुजा सीमेंट को खरीदा, ठीक है, तो अदानी से अदानी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है सर, 6.5 बिलियन एक्विजिशन ऑफ अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। सर व्हाट इज द पॉइंट, मैं इस यहाँ पर ये बात क्यों कर रहा हूँ, अगर अगर आज अदानी या कोई भी बड़ा बिजनेस जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, बिलियन मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करता है, आप जस्ट इतना समझो कि एक मार्केट में पैसा लगाना कोई आसान बात तो है नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ सर, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन है, किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करना, इट्स अ बिग बिजनेस डिसीजन, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर help you as a chartered accountant, as a company secretary, as a cost accountant, you must know how these investment decisions taken place, kaise hota hai, kis tarah se hota hai. Akhir at the end of the day ek baat yaad rakhe sir, ki each and every firm investment kyun karta hai, investment decision is concerned with what, investment decision is concerned with what, optimizations, optimum utilizations of fund to maximize the wealth of the organizations. Look at this line. Optimum utilizations of fund and to maximize the wealth of the organizations. Each and every organizations, chota se chota organizations, ek paan dukan wale se leke, ek fuchka wale se leke Adani tak, jiska bhi naam kar lo, har kisi ko ye particular investment decisions technique ko samajhna padega, ki main kitna paisa invest kar raha hoon और बदले में मुझे रिटर्न कितना आ सकता है, मेरा इनफ्लो क्या हो सकता है, और वट एवर इनफ्लो मैं मुझे मिलेगा तो उस पर्टिकुलर इनफ्लो के बेसिस में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, उसका बजट करना पड़ता है, एंड दैट इज वेयर दिस कैपिटल बजटिंग टेक्निक कम्स। इसी जगह में कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, और इसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं जो एक बिजनेसमैन को, एक एक इन्वेस्टर को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे अदानी एसीसी या अंबुजा में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर ये सब एनालिसिस किया होगा, या जो भी बिजनेस मार्केट में बहुत सारे बिजनेस न्यूली फॉर्म हो रहा है, या जो बिजनेस न्यूली किसी बिजनेस को एक्वायर करना चाह रहा है, ऑलवेज दे फर्स्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक और इन्वेस्टमेंट टेक्निक दे मस्ट यूज, जिसमें पे बैक पीरियड है, आज बात करूंगा पे बैक पीरियड पे। एनपीवी आईआरआर पे मैंने काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, आज भी कुछ बातें करना है एनपीवी और आईआरआर के अंदर, एनपीवी आईआरआर के बीच में कुछ वाइटल बातें आज भी करना है। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंस को लिखते हुए क्वेश्चन आंसर के मॉडल के थ्रू से, एग्जांपल के थ्रू से पढ़ते हैं, उसी तरह से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर बीच बीच में प्रैक्टिकल बातें कर लेंगे सर। सो हेडिंग कर लो कैपिटल बजटिंग, ओके हेडिंग कर लिया ना कैपिटल बजटिंग। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन सर, कोई भी बिजनेस किसी भी बिजनेस पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार 1000 बार सोचेगा, प्लान करेगा, इन्वेस्टमेंट टेक्निक देखेगा। तो आज जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा बात जो ऑलरेडी मैंने आपको दो वाइटल टेक्निक में बात किया, उसी दो वाइटल टेक्निक के अंदर मैं आज थोड़ा कंपेयर करूँ, एंड कंपैरिजन इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। ओके सर, बिग क्वेश्चन, आईआरआर बेसिकली क्या बात करता है, व्हाट आईआरआर टेल्स अस और व्हाट एनपीवी टेल्स अस,
ऐसे तो फुल फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बताते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अगर ये पॉजिटिव निकला, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, अगर 1 रुपी भी पॉजिटिव होता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर आयरन क्या बताता है, सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का जो इंटरनल रिटर्न क्रिएट करने का दम है बिजनेस के अंदर, कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, 15% 10% 20% व्हाट एवर बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अगर मार्केट से मेरा लोन है तो कैपिटल को उठाने का जो खर्चा है अगर उससे ज्यादा रिटर्न है, इफ आर ग्रेटर देन केसी, आईआरआर इज आल्सो नोन एज आर, इफ आर ग्रेटर देन केसी देन बिजनेस प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड, इफ आर ग्रेटर देन केसी देन बिजनेस प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड। एंड यू ऑल नो दिस थिंग्स, ये जो भी बातें मैं कर रहा हूं ये पहले के क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। तो फिर आज मैं आपको कंफ्लिक्ट के बारे में क्यों लिखा हूं, ये बड़ा सवाल है, इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईएनआर, ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईएनआर। तो आप लिखे जरा, फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट देयर कैन नेवर बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। मतलब समझे सर, अगर कोई प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट का कोई मैटर ही नहीं है, और सिंगल प्रोजेक्ट there can never be a conflict between NPV and IRR. But second point is, for a two mutually exclusive projects, there may be conflict. There may be, मतलब समझे, अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो कंफ्लिक्ट का कोई मैटर नहीं है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है एंड आईआरआर ग्रेटर देन केसी है तो प्रोजेक्ट आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक चीज बताऊं मैं आपको, एनपीवी अगर पॉजिटिव होता है तो आईआरआर ग्रेटर देन केसी होता ही होता है, ये भी आप लोगों को मैंने प्रूव करके दिखाया। व्हेनेवर देयर इज अ एनपीवी पॉजिटिव, there is always IRR should must be greater than KC. So NPV positive है, single project है, IRR भी KC से ज्यादा है cost of capital से, then there is no confusion. In a single project there is no confusion. But if there is a two mutually exclusive project, मतलब दो project है उसमें से कोई भी एक choose करना, तो may be conflict आ सकता है between NPV and IRR. Okay. अब आगे आगे मेरे साथ साथ थोड़ा और देखो, फिर जाके आप लोगों को समझ में आएगा। स्टेप वन, कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट क्या हो सकता है, कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट क्या हो सकता है, एनपीवी एंड IRR आर based on different reinvestment assumption. NPV assume, NPV की assumption करते हैं
एनपीपी आज यू री इन्वेस्टमेंट रेट रेट टू बी केसी वाइल आईआरआर अज्यूम री इन्वेस्टमेंट रेट टू बी आईआरआर आंसर. मतलब एनपीपी सोचता है कि मेरा रीइन्वेस्टमेंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आईआरआर सोचता है कि मेरा रीइन्वेस्टमेंट रेट आईआरआर का जो रेट है वही होना चाहिए. अब ये इनके बीच में कंफ्यूजन. ठीक है, अब आगे आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और क्लैरिटी होगा सर. स्टेप टू लिख सरकमस्टेंसेस. ये सब अगर प्रीवियस क्लास का लेक्चर आप लोगों को याद है तो आप लोग समझ पाओगे. अगर प्रीवियस क्लास भूल जाते हो या रिवाइज नहीं करते हो या रिपीट मतलब घर पे एक बार वापस देखते नहीं हो कॉपी में जो लिखे हो या नोट्स को जो भी क्वेश्चंस वगैरह किए हो, कैलकुलेशन हुआ है ना सर आईआरआर का एनपीपी का, अरे अगर नहीं पढ़े हुए या थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइज नहीं किए तो दिक्कत बढ़ जाएगा. सरकमस्टेंसेस इन विच द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स. तो किस सरकमस्टेंसेस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कौन से सरकमस्टेंसेस है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. सिचुएशन वन, साइज डिस्पैरिटी. साइज डिस्पैरिटी दैट इज प्रोजेक्ट ऑफ अनइक्वल साइज. अनइक्वल साइज मतलब अगर दोनों प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो अगर डिफरेंट है तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि एनपीपी और आईआरआर में से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें. जैसे एग्जांपल लो आपको समझ में आ जाएगा सर. हेलो नील संपत बोझे जाच्छे कि जाच्छे ना. ठीक है और कुछ years, number of years, A and B. Okay, दो प्रोजेक्ट है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला दो प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेनेवर देयर इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, मतलब अदानी के पास मानो दो प्रोजेक्ट है, किसी में भी एक, किसी भी एक प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, बट बजट बना रहे कि किस में करें, ये प्रॉब्लम है. तो अगर इसमें एनपीपी एंड आईआरआर दोनों टेक्निक को यूज कर रहा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सर. कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एनपीपी यूज करके कैलकुलेशन करे या आईआरआर यूज करके कैलकुलेशन करे और फिर उसके ऊपर उसके बेसिस में क्या डिसीजन ले, जिसे हम लोग कन्फ्लिक्ट बिटवीन आईआरआर एंड एनपीपी बोलते हैं. एग्जाम में इस रिलेटेड आपको हाँ बोलो सर. बोलो एनपीपी एनपीपी दिए করতে গেলে তো আগে আইআরআরটা তো লাগবেই, নালে তো এনপিপিটা তো বের করতে পারো না এনপিপি. না ওটা তো মডিফাইড এর ক্ষেত্রে तो मॉडिफाइड नॉन नेसेसरी. एनपीपी निकालने के लिए आईआरआर तब चाहिए होता है, वो तो लास्ट क्लास में हम लोग एमआईआरआर कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसके लिए वो यूज हुआ था. दिस इज नॉट अबाउट एमआईआरआर. जब हम लोग नॉर्मल एनपीपी कैलकुलेशन सीखे हैं या फिर जब हम लोग नॉर्मल आईआरआर कैलकुलेशन सीखे हैं, आईआरआर कैलकुलेशन में एनपीपी का कोई काम तो नहीं होता और एनपीपी कैलकुलेशन के टाइम पे भी आईआरआर का कोई जरूरत नहीं पड़ता इंडिविजुअल लेवल में. वो एक MIRR का कॉन्सेप्ट था मॉडिफाइड लेवल में, उसमें हम लोग उसको कैलकुलेशन करने के टाइम पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं सर. रिवाइज नहीं किए होंगे. ठीक सर. अच्छा 0-1 दो साल का मैटर है. अब मानो प्रोजेक्ट ए जो है उसमें मानो तुम 200 करोड़ डाल रहे हो. ठीक है, ये सब रुपीज इन करोड़ है. ठीक है, रुपीज इन करोड़ तुम प्रोजेक्ट ए में 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. प्रोजेक्ट बी में मानो तुम 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर. बात को समझें. ठीक है, बात को समझें. प्रोजेक्ट ए में 200 करोड़, प्रोजेक्ट बी में 500. वन ईयर बाद प्रोजेक्ट ए 300 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर रहा है
एंड प्रोजेक्ट डी 700 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर रहा है, मतलब इनफ्लो, रिटर्न नहीं बोलेंगे, इनफ्लो कर रहा है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया एक साल बाद ए से 300 करोड़ आ रहा है, बी से 700 करोड़ आ रहा है। बट आईआरआर बोला प्रोजेक्ट ए का आईआरआर है 50% और प्रोजेक्ट बी का आईआरआर है 40%। प्रोजेक्ट ए का आईआरआर है 50% एंड प्रोजेक्ट बी का आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 40%, ये बोल दिया। नॉर्मली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बट करेंटली इट इज गिवन कि चलो आईआरआर ए प्रोजेक्ट का है 50%, बी प्रोजेक्ट का 40%। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे छुपा हुआ रिटर्न को आईआरआर कहते हैं। मार्केट में जो पैसा आपका इन्वेस्ट होके पड़ा रहता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, सपोज आज आपको खुद कोई बिजनेस करना हो और आपने मार्केट में 10 लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख में से मानो 1 लाख आपको वापस आ गया, बट स्टिल देयर इज अ 9 लाख जो मार्केट में घूम रहा है। तो मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, इसको कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है या इसको समझने का जो कॉन्सेप्ट है, इसे आईआरआर कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैं पहले भी बोला फिर बता, तो प्रोजेक्ट ए का आईआरआर बोला 50%, प्रोजेक्ट बी का आईआरआर बोल रहे 40%। नाउ कैलकुलेट फर्स्ट एनपीवी। ओके, अब एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केसी, है ना। अगर आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है तो आपको केसी का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चलो ध्यान से देखना। एनपीवी प्रोजेक्ट ए के केस में, हाँ, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी कैलकुलेट करके बता सकते हो। इफ केसी इक्वल्स टू 10%, इफ केसी इक्वल्स टू 10%, देन प्रोजेक्ट ए का एनपीवी क्या होगा और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी क्या होगा। बोलो सर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि जो भी आपका इनफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट में, जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, जैसे मानो प्रोजेक्ट ए में कितना इनफ्लो हो रहा है 300 करोड़ का, आपका रिटर्न आपका केसी कितना है 10%, तो 10% मतलब क्या 1 रुपी इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा। हेलो, 10% केसी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब मार्केट में इन मार्केट से प्रोजेक्ट ए के लिए जो आपने लोन उठाया या जो भी कैपिटल जुगाड़ किया उसका कॉस्ट है 10%। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.1, मतलब इसको अगर मैं प्लस 1 करूँ तो इफ आई इन्वेस्ट 1 रुपी देन इफ आई रेज लोन 1 रुपी देन आई हैव टू पे बैक 1 मतलब 0.10, तो कुल मिला के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके होता है 1 टका, अगर रेज करते हो तो 1 टका 10 पैसा लगता है। हेलो, ये सर नो, आपको समझ में आया 1.1 कहाँ से लिया मैंने, प्लीज टेल मी सर। ठीक है, तो दैट इज हाउ 1.1 पिक्चर रोल प्ले करेगा। सो 300 आपका क्या है, ये आपका इनफ्लो है, तो इन्वेस्ट कितना किया था 200 करोड़ का। तो जस्ट एक छोटा सा काम करो ना सर, 300 करोड़ को आज पे कन्वर्ट कर दो, आपको हिसाब मिल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी सर, एनपीवी बहुत सिंपल है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो 10% रेट में 300 करोड़ का आज का वैल्यू कितना है। हेलो, यू नो यू विल गेट बैक 300 करोड़ आफ्टर 1 ईयर, दिस इज यू नो, बट इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट, सर थोड़ा सा रफ में दिखा रहा हूँ, आप आज 0 ईयर में खड़े हो, 1 ईयर लेटर माइंड मैप को समझना सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड मैप, 1 ईयर लेटर आपको 300 करोड़ मिलेगा, लेकिन टू कैलकुलेट द एनपीवी यू हैव टू ट्रांसफर दिस 300 करोड़ इन टूडेज वैल्यू। हेलो, 300 करोड़ को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करो सर, 1 ईयर लेटर जो 300 करोड़ है उसे आज के वैल्यू में कन्वर्ट करो। नाउ क्वेश्चन इज सर, हाउ टू कैलकुलेट टूडेज एनपीवी,
यू नो दैट, आपको मैं पहले भी दिखाया है. तो 300 करोड़ को आज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल ना, 300 करोड़ को 1.1 से डिवाइड कर दो. अब आपके मन में चल रहा है सर 1.1 कहां से आया, सर 1.1 तो डिस्काउंट रेट है, 1.1 तो डिस्काउंट रेट है. या फिर आप ऐसे बोलो कि दिस इज योर केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो 300 करोड़ आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन 10% रेट में जो केसी गिवन है, अगर आप उस रेट में आपको 300 करोड़ को आज में कन्वर्ट करना है, मान के चलते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन इज, मार्केट इन्फ्लेशन इज 10%. सो जस्ट 300 डिवाइडेड बाय 1.1, सिंपल 272.7. 10% रेट में 1 ईयर लेटर 300 करोड़ का आज का वैल्यू होता है 272.72. अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो. इट्स अ वेरी फेमस फाइनेंशियल टेक्निक, वेरी फेमस टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक, कि इस तरह से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके एक साल बाद 300 करोड़ को आप आज में कन्वर्ट कर. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, मैं फिर बता, मतलब जैसे एक सिंपल बात करता हूँ आपको. कोई अगर आपको बोलता है कि 2 साल बाद, 2 ईयर लेटर, ये हर किसी को पता है, 2 साल बाद अगर कोई आपको बोलता है 5 लाख देगा, तो 2 साल बाद में जो 5 लाख है और आज का 5 लाख क्या सेम है क्या? हेलो, नो सर. बहुत सिंपल सा लॉजिक है, किसी को भी पूछो, जो अनपढ़ भी है ना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जिनका, वो भी बात को समझता है कि आज का 5 लाख और 2 साल बाद का 5 लाख सेम नहीं है. अब क्वेश्चन इज दैट सर, 2 साल, 2 ईयर लेटर जो 5 लाख अगर कोई आपको देने का बात कर रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो 5 लाख का आज का वैल्यू क्या है? एग्जाम्पल के लिए, इफ मार्केट इन्फ्लेशन इज 10%, अच्छा इन्फ्लेशन मुझे कहाँ से पता लगे? चलो अगर आप, अगर इन्फ्लेशन का पता लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हो. अगर आप कंट्री वाइज इन्फ्लेशन, हाँ बोलो, और जैसे इंडिया का 5.5 इन्फ्लेशन रेट करेंटली CPI 6.50 में भी फोर्ब्स के हिसाब से, बट अगर मैं कंट्री वाइज देखूं, IMF क्या बता रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इन्फ्लेशन फोरकास्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब ये सब इनको फॉलो कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको अच्छा प्रोजेक्शन मिलता है. वर्ल्ड बैंक का या फिर IMF का फॉलो कर सकते हो. मैं जस्ट एक रफली कहीं से भी थोड़ा उठा रहा हूँ सर, ठीक है, रफली देख रहा हूँ कि मोटा मोटी कंट्री वाइज इन्फ्लेशन रेट कैसे हैं. और अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है कहाँ पर, भयंकर हालत कहाँ कहाँ है ये देख सकते हैं आप. ये 2022 का लेटेस्ट डेटा दिया है वेनेजुएला का, वेनेजुएला में 1200% इन्फ्लेशन चल रहा है, सूडान में 340%, लेबानन में 201%, सीरिया में 139%, सरीनेम में 63%, जिम्बाब्वे में 60.7, अर्जेंटीना में 51, तुर्की में 36.1, ईरान में 35.2, इथियोपिया में 33%. ये सब वर्ल्ड का टॉप भयंकर हालत वाला इकोनॉमी का सिचुएशन. लोएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है कहाँ पर, रवांडा, चैड, मालदीव्स, गैबोन, जापान, बहरीन, फिजी, वनुअतु, बोलिविया, सऊदी अरब, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द कंट्री. सर वेयर इज अवर इंडिया? इंडिया कहाँ है सर? पाकिस्तान में 12% के आसपास, ये 22 का है, इससे भी ज्यादा चल रहा है अभी. इंडिया 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 निकल गया क्या? ग्राम देखते पेजेस, इंडिया थोड़ा सा नीचे ही रहेगा.
वही 5-5.5 ऐसा ही होगा सर, मिल नहीं रहा है, पता नहीं इंडिया क्यों नहीं दिख रहा है इधर, या फिर शायद इंडिया के लिए, इंडिया जैसे कंट्री में 5-5.5, ये देखो 2021 के आसपास कोई 5.5, अभी वही 6-6.5 के आसपास के अंदर है सर इंडिया के इन्फ्लेशन, ठीक है। सो माय पॉइंट इज व्हाट कि अगर कोई आपको बोलता है 5 लाख 2 साल बाद मिलेगा, तो आप इन्फ्लेशन रेट देख लो। और सबसे बड़ी चीज कि मार्केट में बैंक किस रेट में आपको एफडी, जैसे मान लो बैंक में एफडी करोगे आप, तो बैंक एफडी कितना चल रहा है करेंटली इंडिया में, इससे आपको आइडिया लगेगा। 7-7.5 दे रहा है क्या? 7-7.5 सीनियर सिटीजन के केस में ज्यादातर केस में सीनियर सिटीजन 6.5 और नॉर्मल में 6000 और नॉर्मल में 5.5 हां, दैट इज अगर अगर एफडी में जो आपको बेसिकली देता है ना वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही है, ठीक है। तो जस्ट टू बीट दी इन्फ्लेशन नहीं, टू बी पैरेलल विद इन्फ्लेशन, मार्केट महंगाई के साथ पैरेलल ही चल रही है। हां वही है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के लिए, हाँ ठीक है, पैरेलली चलने के लिए आपको बैंक में एफडी में वो इंटरेस्ट दिया जाता है और नथिंग, मतलब बैंक एफडी में पैसा नहीं बढ़ता है, बैंक एफडी में पैसा नहीं बढ़ता है आपका, आपको दिखता है बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आज कोई आपके पास अगर मानो आज 100 रुपीज है, या फिर आज आपके पास जो 5 लाख है, इस 5 लाख अमाउंट से आप जो परचेस कर सकते हो, अगर 6.5% इन्फ्लेशन है ना इंडिया में, तो 1 year लेटर 5 लाख से 6.5% इंटू कर दो, जितना होता है उतना वैल्यू हो जाएगा कोई प्रोडक्ट परचेस का दाम, ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट यही होता है, या फिर 5 लाख का वैल्यू 6.5 से कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो 300 करोड़ आपको 1 year लेटर मिलेगा, जो 300 करोड़ आपको 1 year लेटर मिलेगा, ओके इन आवर क्वेश्चन, ठीक है सर, इन आवर क्वेश्चन जो 300 करोड़ हमें 1 year लेटर मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है, जान लो सर, बहुत वाइटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है ये, मैं बहुत बार बार बोलता हूँ, आगे आगे जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी करूँगा फिर से लाइव क्लास में तब फिर से बताऊँगा, बट फिलहाल आप एक बार जरूर देखो कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो 300 करोड़ आपको 1 year बाद में मिलेगा, लेकिन जिसका आज का वैल्यू 10% रेट में करीब 272.72 है ना, यहाँ से माइनस कर दो 200 को जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो 272.72 से अगर 200 करोड़ को माइनस कर देते हो तो क्या वैल्यू बनता है, 72.72। ओके ये प्रोजेक्ट ए का नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट बी का एनपीवी क्या होगा सर? 136.36, वेरी गुड सर, ठीक है। सिमिलरली 700 करोड़ आपको एक साल बाद मिलेगा, आप उसे 10% रेट में एडजस्ट कर लो आज के डेट में, और वहां से माइनस कर दो 500। तो जैसे कि आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो और मुझे बता दिया ऑलरेडी, 136.36 करोड़, 136.36, दिस इज द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी। सो अगर अब यहाँ पर कंफ्यूजन देखो कैसे क्रिएट हो, प्रोजेक्ट ए का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 50%। सर एटी से मतलब 72.72 जरा वैसे तो माइनस में की हुई है ना, 300 के कम दूसरी बात तो सर तो माइनस ही हुई, मैं समझा नहीं, 272.72 से 200 माइनस करेंगे तभी तो 72.72 आएगा। अरे हां ना सर, इधर इधर प्लस ही रहेगी, हम 200 तक तो वैसे ही चलेगा। हां दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, प्रोजेक्ट ए भी पॉजिटिव है, बी एक तो वैसी, हां बी का एनपीवी ज्यादा है, बी प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, बट अगर तुम आईआरआर को देखो ना, हेलो
जस्ट लुक एट द आयरन ऑल्सो, प्रोजेक्ट ए में आयरन बोल रहे हैं 50%, बट प्रोजेक्ट बी में बोल रहे हैं 40%. मतलब जिसका एनपीवी लो है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाई है, और जिसका एनपीवी हाई है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है. अब क्या करोगे? हाँ, अब क्या करें नील? उससे 25 इफ दीज प्रोजेक्ट्स, अगर मानो कोई भी बड़े बिजनेस के सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, ये कंफ्लिक्ट आ जाता है, इफ दीज प्रोजेक्ट्स वेर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब एक लेंगे तो दूसरे को छोड़ना होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिवनेस. और इंक्लूसिव मतलब जैसे टीवी में एक्सक्लूसिव दिखाता है ना, न्यूज चैनल में एक्सक्लूसिवली ऑन स्टार आनंदो, एबीपी आनंदो, एक्सक्लूसिव न्यूज. मतलब एक्सक्लूसिव न्यूज मतलब क्या? सिर्फ एबीपी आनंदो दिखा रहा है, किसी और चैनल नहीं दिखा रहा है. जब वैसे बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव. कई बार तो हर चैनल पे दिखाते हैं फिर भी सब चैनल वाले लिख के रखता है एक्सक्लूसिवली ऑन 24 घंटा, एक्सक्लूसिवली ऑन आर बंगला या समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर. तो एक्सक्लूसिव मतलब क्या? ओनली वन यू कैन चूज. ओके, आउट ऑफ टू प्रोजेक्ट यू कैन चूज ओनली वन प्रोजेक्ट. बट इफ दिस प्रोजेक्ट्स वेयर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन both should have been accepted. Hello? Both should have been accepted. दोनों ही ले लेते ना. अरे संपर्क, क्योंकि दोनों का ही तो पॉजिटिव, दोनों का ही तो पॉजिटिव है. Both have a positive NPV. So if both have a positive NPV, then where is the problem? दोनों प्रोजेक्ट लो, दोनों से कमाओ, दोनों हाथ से कमाओ. बट अगर आपके पास कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है कि ये लेना है या फिर ये लेना, आइदर यू हैव टू टेक ए, आइदर यू हैव टू गो विद ए और यू हैव टू गो विद बी, या तो ए के साथ चलो कंपेयर करते हो, हां तब तब प्रॉब्लम आ जाता है. तभी वो कंफ्लिक्ट का सलूशन चाहिए सर. सो इफ देयर इज अ, अगर दोनों प्रोजेक्ट ले सकते थे तो दोनों ही ले लेते, बट अगर कोई एक चूज करना तो बोथ हैव बीन एक्सेप्टेड. बट इफ they were mutually exclusive, if they were mutually exclusive, only one of them will be accepted. Will be accepted. Maybe one of them will be accepted. Now look at the conflict. Look at the conflict. अब झगड़ा बनेगा सर. एनपीपी और आयरन में झगड़ा. कैसा झगड़ा? आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट ए इज ग्रेटर देन आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट बी, बट एनपीपी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज ग्रेटर देन एनपीपी ऑफ प्रोजेक्ट ए. ए प्रोजेक्ट का आईआरआर ज्यादा बी से, बट बी प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा ए से. नाउ खेल तो वहीं से चालू हो जाता है ना. द रीजन फॉर द कंफ्लिक्ट इज ऑब्वियस. देखते बच्चे रिजॉइन তারপরে স্যার আর লেখা হয়নি. হ্যাঁ স্যার এখানে লুক থেকে স্যার লিখতে হবে. ঠিক আছে. লুক এট দি কনফ্লিক্ট. IRR of A greater than IRR of B, but NPV of B greater than NPV of A. Okay.
रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्वियस, होना ही था, तो बोलते ये तो होना ही था, ठीक है, द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज ऑब्वियस, ओके, दैट इज एनपीबी इज biased in favor of bigger project. ये बात याद रखे सर, जिस प्रोजेक्ट में एनपीबी हायर होता है या जो जो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता है उस प्रोजेक्ट में एनपीबी थोड़ा biased होता है, एनपीबी इज biased in favor of bigger projects, जो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो उस प्रोजेक्ट के लिए ना एनपीबी थोड़ा बायस होते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चंस पे कौन सा प्रोजेक्ट बड़ा है, प्रोजेक्ट ए बड़ा कि प्रोजेक्ट बी बड़ा, प्रोजेक्ट बी इज बड़ा है ना, प्रोजेक्ट बी इज बिगर, तो ये एनपीबी ना थोड़ा बायस हो जाते हैं, एनपीबी का थोड़ा सा वीकनेस है, वीकनेस क्या है कि जो बड़ा है उसके तरफ चल जाएंगे, सिंस इन फेवर ऑफ बिगर बाय किली को सर लास्ट लाइन का इन फेवर ऑफ बिगर प्रोजेक्ट, बिगर in favor of bigger projects, since project B is of bigger size, NPV B is higher, B project ka NPV bhi higher hua hai, इसका साइज बड़ा उसका एनपीबी भी बड़ा, तो सिंपल बात है ऐसे केसेस में एनपीबी अगर चूज करना है तो प्रोजेक्ट बी के साथ चले जाएंगे। बट सिचुएशन टू, और एक सिचुएशन देखते हैं, ध्यान से देखना सर कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं एक फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंस एनालिस्ट किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाते हैं। हाँ सर वही अब IRR में बात करेंगे, IRR का 50 और 40 में बात करेंगे, अब IRR बात करके फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे आएंगे कि अल्टीमेटली चूज क्या करना है, ठीक है। सिचुएशन टू इज अबाउट टाइमिंग डिस्पैरिटी। एग्जांपल consider two mutually exclusive project. मतलब या तो एक को लेना है तो दूसरे को नहीं ले सकते, तभी वो एक्सक्लूसिव होता है। Yours project A and project B. Years में देखो 0, 1, 2, 3, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में 500 करोड़ डाल दो, प्रोजेक्ट बी में भी 500 करोड़ डाल दो, नेगेटिव क्यों, क्योंकि आउटफ्लो है। प्रोजेक्ट ए 100 करोड़ रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, प्रोजेक्ट बी 200 सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट ए में 200 करोड़ रिटर्न आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एंड ईयर थ्री में 300 करोड़ का इनफ्लो हो रहा है। प्रोजेक्ट बी में केस थोड़ा अलग है, 300 करोड़ का रिटर्न, फिर यहां पर 200 करोड़ का रिटर्न, फिर यहां पर 80 करोड़ का रिटर्न। नाउ अब ये टाइमिंग डिस्पैरिटी का खेल है, अब थोड़ा अलग है, ये दूसरा सिचुएशंस है, ठीक है। पहले वाला सिचुएशंस को कैसे समझे हम लोग, कि एनपीबी जिसका बड़ा है उसके तरफ बायस हो जाते हैं, कौन, जो बिगर प्रोजेक्ट है उसका एनपीबी हायर है तो वही ले लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एनपीबी की तरफ से देखा जाए तो वो लेना पड़ेगा, बट IRR की तरफ से देखा जाए तो हम लोग प्रोजेक्ट ए को भी चूज कर सकते थे बिकॉज प्रोजेक्ट ए का IRR ज्यादा था। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ अब हम लोग IRR नहीं बात करेंगे, अब हम लोग IRR पे ही बात करेंगे, कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग डिस्पैरिटी का मैटर है। अब टाइमिंग डिस्पैरिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी में अब टाइमिंग डिस्पैरिटी को कैलकुलेट कर,
तो सिंपल है, आप आयरन कैलकुलेट कर, आयरन कैलकुलेट करना आता है ना सर आपको। ये मत कहना सर, ये मत कह देना कि सर आयरन भूल गए, क्योंकि लास्ट कुछ क्लासेस से प्रोजेक्ट ए इक्वल्स टू क्या है, आयरन कैसे कैलकुलेट होते हैं, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो है ना, कैसे करते हैं हम लोग आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो ऐसे करते हैं ना। मतलब अगर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनफ्लो को कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर अगर 100 करोड़ आ रहा है तो 1 प्लस आर डिवाइड करो, सेकंड ईयर 200 करोड़ आ रहा है तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर करो, थर्ड ईयर अगर 300 करोड़ आ रहा है तो 1 प्लस आर का होल क्यूब बना लो। अब आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट आर इक्वल्स टू, कुछ पकड़ना होगा, क्या पकड़े बोलो। अच्छा प्रोजेक्ट फेवरेबल है, प्रोजेक्ट जो है वो फेवरेबल कंडीशंस पे है, तो आर का वैल्यू क्या होने से अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, पहले तो गेसिंग पॉइंट तक पहुंच के बताओ। एक्सेस कैश फ्लो कितना हुआ है, 100 प्लस 200 प्लस 300, टोटल एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर कितना हुआ है बोलो जल्दी। 600 एक्सेस कैश फ्लो पर ईयर इज 100, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, एक्सेस कैश फ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही ना, एक्सेस कैश फ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एक्सेस कैश फ्लो कितना, 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कत, 500 इनटू 100 कत है रे, 1/5 × 100 20% हो जाए। अब 20 के साथ क्या करना है, 1.5, 20 इंटू 1.5 करो, 30 हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये तो हो गया 30, मतलब 30 इज नॉट आवर आंसर, 30 इज नॉट द आंसर सर, 30 इज नॉट द आंसर, दिस इज द बेस। अब अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो क्या करना चाहिए, आर शुड बी ग्रेटर देन स्टेप 3, तो आर का वैल्यू स्टेप 3 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये गेसिंग ठीक ठाक नहीं हुआ है सर, ये 30 नहीं होना चाहिए, ये आर का जो गेसिंग पॉइंट है ये 30 नहीं होना चाहिए सर। एक्सेस कैश फ्लो 1/5 × 100 This is the 20%, 20 × 1.5, 30 आ रहा है, है ना, यही होगा ना, 30 होगा ना, ओके, अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैंने एक चीज थोड़ा गलत, ठीक ही किया सर हमने, हाँ बोलो,
ज्यादा पैसा पहले आए कि कम पैसा पहले आए, क्या सोचोगे आप? अगर बिजनेसमैन हो तो आप क्या चाहोगे कि 300 करोड़ पहले आने से अच्छा लगेगा आपको कि 100 करोड़ आने से अच्छा लगेगा? मतलब यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द मार्केट 500 करोड़ एंड डू यू रियली वांट कि फर्स्ट ईयर मेरा 100 करोड़ आए? जितना जल्दी ज्यादा पैसा आएगा उतना अच्छा है ना आपके लिए, क्योंकि जल्दी पैसा का इनफ्लो होगा तो उसको री इन्वेस्ट करेंगे, फिर जाके ना बिजनेस बढ़ता है। तो ये अनफेवरेबल है सर। सो व्हेनेवर देयर इज अनफेवरेबल सिचुएशंस, व्हेनेवर देयर इज अनफेवरेबल सिचुएशंस, आर शुड बी लेस देन स्टेप थ्री। ये जो 30 आया ये स्टेप थ्री आया ना सर, एज पर अवर गेसिंग कॉन्सेप्ट। तो स्टेप थ्री 30 आया, अब आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू स्टेप थ्री, ठीक है, या लेस देन इक्वल्स टू नहीं, लेस देन ही होगा, ठीक है। अब 30 से कम तो होगा लेकिन कितना कम ये नहीं पता, मतलब 30 से कम क्या है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट वी डोंट नो। अब गेस करना है, 30 से कम होगा ये पता चल गया, 30 से ऊपर नहीं जाएंगे, बट कितना नीचे आएंगे सर? अच्छा मैं जस्ट एक रैंडमली कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को पता है कि दो गेस फेलियर होता है तो क्या करना चाहिए। क्या मैं इसे 5% मान के चल सकता हूँ ऐसे ही? अच्छा 5 नहीं, एक काम करते हैं 8%, ऐसे ही मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ सर, कभी कभी रैंडम पिक करके देखते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, एंड आप लोगों को मैंने सिखा के रखा सर, हाँ, कि अगर मतलब दोनों गेस करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो आप कैसे इंटरपोलेशन कर सकते हो, एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हो, है ना। सो आर इक्वल्स टू 8% अगर मैं लेता हूँ, लेट आर इक्वल्स टू 8%, तो आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, अब ये प्रूफ करना है। सो आर एच एस इक्वल्स टू 500 वी नो, बट वॉट इज द एल एच एस? अगर वो इक्वल हो जाए तो 8% ठीक है, अदरवाइज गड़बड़, 1% वेरी हो सकता है, 1% तक का मार्जिन अवेलेबल है। तो रूल क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 8% मतलब क्या, 8/100 मतलब 0.8, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.08, 8% मीन्स व्हाट, 8% मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 100, 0.08 प्लस 1.08, सो 100 डिवाइडेड बाई 1.08 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 1.08 होल टू द पावर 2 प्लस 1.08 होल टू द पावर 3, कैलकुलेट करो कितना होगा, यह आएगा 92.59, यह आएगा 171.546 और यह आएगा आपका 238.14, है ना सर। ये मेरा सॉल्व था इसलिए मैं फटाफट कर दिया, बट क्यों मैंने किया, आप लोगों को मैंने पहले भी काफी सारा क्वेश्चंस करा के रखा प्रीवियस क्लास में कि अगर हमें पता नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका वैल्यूएशन कितना हुआ सर, कतौलो रे 500, आई थिंक 502.19 आएगा, जिसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 500 है, मतलब 505 तक भी अगर होता है ना, अगर 505 भी होता या 495 भी होता तो आंसर सही होता। तो देयरफॉर IRR equals to approximately equals to 8%. तो ये मेरा गेस सही निकला सर, 8% का गेस। अगर 8% की जगह कुछ और लेके करते तो आप लोगों को पता है कि अगर दो गेस फेलियर हो जाता है तो क्या होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकला सर, 8%। ओके ओके सर, ठीक है, बोलो सर। No.
समथिंग बोल लो, तो सही के थ्रू तो नहीं समझता। हाँ अगर 496 आता करके देख सकते हो, अगर कौन से वैल्यू में 496 मतलब 500 का 1% प्लस 1% माइनस चलता है, 1% प्लस मतलब 505 अपर लिमिट, 495 लोअर लिमिट, 495 हाँ ठीक है, 495 लोअर लिमिट, 505 लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसके बीच में जो भी वैल्यू होगा आप ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तो लिखा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लिखा जाता है। ओके नाउ प्रोजेक्ट बी कैलकुलेट करो सर, सिमिलर पैटर्न है, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो प्रूफ करना है, 500 करोड़ आज इन्वेस्ट कर रहे हो आप, फर्स्ट ईयर आ रहा है 300 करोड़, ये थोड़ा फेवरेबल में है, देखो फर्स्ट ईयर 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एंड 300, 200 और लास्ट में आ रहा है 80 करोड़, 80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल क्यूब। ओके सर ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल सिचुएशन है, तो इसका आर क्या हो सकता है, आर आर इक्वल्स टू क्या हो सकता है, पहले तो हमें यहां तक पहुंचना होगा कि 300 प्लस 200 प्लस 80 एक्सेस कैश फ्लो कितना है, 580 माइनस 500, 580 माइनस 500, दिस इज माय एक्सेस कैश फ्लो इक्वल्स टू 80, सो 80 डिवाइडेड बाय व्हाट सर, 80 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज माय 500, सो 80 बाय 500 इनटू 100 कत होवे, 16 इनटू 1.5 जो थंब रूल है 24, तो मेरा स्टेप थ्री कितना आ रहा है रे, 24। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर, क्वेश्चन इज दैट कि सर ये तो फेवरेबल हो रहा है कि अनफेवरेबल हो रहा है, फर्स्ट 300 फिर 200 फिर 80, तो स्टेप थ्री फेवरेबल सिचुएशंस में आर का वैल्यू, फेवरेबल सिचुएशंस में आर का वैल्यू नॉर्मली स्टेप थ्री से ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्या बोलते हो, फेवरेबल सिचुएशंस में स्टेप थ्री जो है, स्टेप थ्री से मेरा आर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो क्या ज्यादा, कितना ज्यादा होगा सर, 300, 280 300, 280 कंसीडर टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, 300, 280 कितना होगा बोलो, क्या पकड़ने से अच्छा रहेगा आईआरआर का वैल्यू, 84 should be greater than step 3. Greater than step 3, step 3, 24. But sir, answer बोल रहा है कि 24 से कम रहेगा, तभी जाके ये फुलफिल हो पाएगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ सर, ये तो फेवरेबल है, फर्स्ट 300 आ रहा है फिर सेकंड 200 आ रहा है, बेसिक अजम्पशंस तो यही सिखाता है हम लोग, इतना दिन से हम लोग जितना भी क्वेश्चंस किए हम लोग क्या देखे वहाँ पर, हम लोगों ने देखा ना कि आर मस्ट बी ग्रेटर देन स्टेप थ्री इफ देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन, इफ देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन आर मस्ट बी ग्रेटर देन स्टेप थ्री, अब
और अगर अनफेवरेबल है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में रहा है, अगर अनफेवरेबल है तो फिर आर मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन स्टेज थ्री, और इसीलिए हम लोग वहाँ पर बिलो अमाउंट लिए थे और जिसमें 8% आंसर टैली हो गया था। लेकिन इन दिस केस अगर 25% अगर आर ग्रेटर देन स्टेप थ्री, आप लोग एक बार करके देखो तो अगर 24 है ना तो 25 लेके देखो, 25 लेके देखो, 300 बाय 1 प्लस आर मतलब 25 मतलब क्या, 25 मतलब 25 बाय 100 0.25 प्लस 1 मतलब 1.25 है ना, तो 1.25 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.25 होल टू द पावर 2 एंड 80 डिवाइडेड बाय 1.25 होल टू द पावर 3 कितना हो रहा है सर? ना हो 1. तो पहले वाला क्वेश्चन का क्या है, 1.25 300 डिवाइडेड बाय 1.25 कत হচ্ছে 240। ओके सेकंड वाला, सेकंड का क्या करें, 1.25 इनटू इक्वल्स टू एक बार जितना आएगा इनटू कर देंगे 200 312.5 प्लस कर देंगे 1.25 इंटू एक दो तीन बार हो गया जो आया इसको इंटू कर देंगे 80 के साथ तो आ रहा है सर 156.25। तो टोटल कितना हो रहा है सर, 240 प्लस 312.5 प्लस 156.25 तो 708.75 सर ये तो वैल्यू मैच नहीं किया। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो अजम्पशन लेने का जो टेक्निक है वो फेल होगा। क्यों फेलियर हो रहा है सर? मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला भी था आयरर गेस करने का एक तरीका है, बट वो गेस का तरीका ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, इसका कोई मतलब जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है सर। ठीक है ये चीज़ आप लोगों को, इसीलिए आयरन बड़ा ही खिचड़ी पकाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है इसीलिए दो वैल्यू लो और उसके बाद एक्स्ट्रापोलेशन या इंटरपोलेशन कर लो। अच्छा एक चीज़ देखो, हम लोगों ने यहाँ पर आर का वैल्यू 25 लिए, लेट दी आर इक्वल्स टू 25%। ठीक है तो आर का वैल्यू जब हम लोग 25 लिए, लेट आर इक्वल्स टू 25 में हमारा वैल्यू आ रहा है 708। तो अगर 25 की जगह 26 ले लेंगे या 30 ले लेंगे वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? 30 ले कम होगा, बड़ा ज्यादा कम होगा। 30 लेने से कम होगा करके देख, लेट आर इक्वल्स टू 30 इसका मतलब अगर हम लोग आगे जाएंगे तो वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब आर का वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, इतना तो क्लैरिटी हो रहा है सर। नीचे आ सकता है आर का वैल्यू, नीचे आ सकता है, जो मतलब assumptions का जो concept है वो अभी failure हो रहा है। मतलब normally rule कहते हैं कि R should be greater than step 3, ठीक है, but वो concept अभी काम नहीं करेगा। आपको 25 के नीचे, 24 के नीचे सोचना है। मैं थोड़ा सा random, हाँ बोलो, बोल नील बोल क्या हुआ? देखना होता है बड़ा 20 try को ना, देखना होता है बड़ा 20। अच्छा चलो 20। अच्छा मैं थोड़ा ज्यादा नीचे, मैं थोड़ा ज्यादा नीचे देख रहा हूँ, थोड़ा 10 ले लेता हूँ। 300
10 से देखना एक बार ट्राई कर 1.1 ओके ठीक है 200 वाट तो 200 भी ले जाएंगे ऐसे सारे पास तो ही है 10 भी है 300 by 1.1 plus 200 by 1.1 whole square plus 180 divided by 1.1 whole cube नहीं होगा टेन भी नहीं होगा तो किसका होगा अच्छा देखते हैं इसे चलो 300 divided by 1.1 कितना होगा 272.72 अच्छा नेक्स्ट 1.1 इंटू एक बार इक्वल देखे इंटू 200 242 आ रहा है क्या अरे है सर एक सेकेंड 1.1 इंटू एक बार इक्वल मतलब टू दी पावर 2 हो गया उसके साथ इंटू करेंगे 200 दो रहा है 242 तो 242 प्लस 272 और प्लस इसका कितना वन पॉइंट वन इंटू एक दो इंटू करेंगे 80 106 अरे कत आस 106 आस हंड्रेड सिक्स पॉइंट फोर एट कत हो टोटल कर 10% से नहीं हो रहा है मतलब 10 पे भी इतना ज्यादा हो जाएगा तो फिर 10 के और नीचे आना पड़ेगा क्या सर 8% से ट्राई करना एक बार आठ परसेंट से 300 divided by 1.08 कर ना कर 300 वो तो कोरे देखे थे 8% हाँ सर अच्छा ना 1.08 एक सेकंड 1.08 इनटू एक सेकंड अब क्या करना है 1.08 इंटू एक बार इक्वल इंटू करना है 200 प्लस 233 प्लस 233.28 और लास्ट एट कत आज 80 मैंने 1.08 इंटू एक दुई तीन बार हो गया इंटू करब 80 कत आज 100 611 512
কত হলো? 512, 512.8 আচ্ছা আমার কততে? ওই 8 দিয়ে মানে 1.08 500 না 600 হচ্ছে, 600, 100টা এখনো তো অ্যাডই করিনি, 612 হবে 8% দিয়ে। দুটো ভ্যালু দিয়েই বেরোচ্ছে, 10% দিয়েও হচ্ছে না, 30% মানে কমই করলে 600 হচ্ছে। সম্পদ কিছু বেরোলো নাকি রে? স্যার মাইনাস যে করছি স্যার, -0.0010 মাইনাস, আমি -0.0025 দিয়ে করছি। না না মাইনাস দিয়ে কেন হবে স্যার? মাইনাস দিয়ে হবে মানে স্যার মাইনাস মানে কি স্যার? মানে আমি শূন্য নিচে রয়েছি পয়েন্ট দিয়ে। পয়েন্ট হ্যাঁ স্যার, পয়েন্ট দিয়ে করলে বেরোচ্ছে না। পয়েন্ট দিয়ে করলে কত হচ্ছে? হ্যাঁ বলছি স্যার 0.00 স্যার ছিল। হ্যাঁ বল কত বলছিস, কি বললি নীল, কত বললি? না আমি বলছি যে 300, 200 আর লাস্ট এরটা কি 80 ছিল? তাই তো দেখতে পাচ্ছি 300, 200 আর 80, তাই তো দিয়েছে 300, 200, 80। কত হচ্ছে? 512.8 512.8 হচ্ছে। 65, এখানে একটা কিছু ভুল হচ্ছে হিসাবে, এখানে একটা কিছু, এটা তো হয়ে যাওয়ার কথা, 8% তো হয়ে যাওয়ার কথা, একবার সরি 8% বলছি, 10%, একবার 10%টা দিয়ে ঠিকঠাক করে কত কত হচ্ছে? 1.10, 10% মানে কত? 10% মতলব কিতনা হ্যাঁ স্যার? 10/100 করো তো 0.1 হতা হ্যায়, প্লাস 1 করো 1.1, ইসকো ইনটু করো, এক বার এক বার ইনটু করনা হ্যায় না, কিউকি এক ইনটু কাউন্ট হো জাতা হ্যায়, আব এক ইনটু কাউন্ট করনে কে বাদ এক হি বার দেনা হ্যায়, তো ইসকো ইনটু করো আপ 200 কে সাথ, তো আপকা হোতা হ্যায় 242। तो मैं नॉर्मल कैलकुलेटर में जब कर रहा हूँ, आप लोग एक हिसाब करके मुझे बता दो, 1 point मतलब आपको बस इतना करना है, 200/1.10² इसको करने से क्या वैल्यूएशन आता है? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ सर, 1.10 / 365.28 ना सर? हेलो यस सर। तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, ये आप लोग भी ना मेरे साथ साथ गलत कर रहे थे, 165.28 होगा तो। अब इसको करो ठीक से, 1.1 मतलब 80/1.1³ करना है आप, तो क्या करोगे? पहले आप 1.1 से डिवाइड करके 3 बार इक्वल लगा लो, जो आएगा इसको इनटू करना है आपको 80 के साथ, तो होगा आपका 60.10। हेलो सर, ये ना होगा आंसर? यस सर।
अब कैलकुलेट करो 272.72 प्लस 165.28 प्लस 60.10, अब बताओ सर। टू सेवेंटी टू पॉइंट सेवन टू हाँ प्लस 165.28 प्लस 60.10 498.1 हो तो रहा है सर 10% में 498.1 हो जाएगा। तो 498 मतलब 500 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, मतलब हम लोग 5 प्लस 5 माइनस कर सकते थे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 500, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो रहा है। सो 10% मे बी ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10% ये मेरा प्रोजेक्ट बी का रिटर्न हो सकता है। ओके तो नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब दोनों प्रोजेक्ट आपके सामने था, संपत बोझा गया है। हेलो सर 1.1 টাকে স্যার ইন করছিলেন বললেন স্যার আমার ভুল হয়ে গেছে। আরে ওইটাই তো ডিভাইডেড বাই হ্যাঁ তো আমি ভুল করছি তোরা ভুল করে যাচ্ছিস, আগে তো ডিভাইড করবো তারপর তো আমি ইনটু বলে যে লাগি সম্পত্তি ইনটু বলতে এরকম কিছু মিলছে না, ডাইরেক্ট ইনটু থরি হয়, মতলব কি হয় 1.1 কে ডিভাইড করব, ঠিক আছে 1.1 কে ডিভাইড করব 1.10 1.1 ক্যালকুলেটর কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, মানে আমি বেসিক্যালি এটা করতে চাইছি কি 1.1 হ্যাঁ বল আমার কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর কিছু একটা ভুলভাল দেখিয়ে দিয়েছে আর ওইখানে গন্ডগোলটা পাইছে। যাক বুঝে গেছিস তোরা কনসেপ্টটা, ঠিক আছে বাস এখানে একটু এক্সেপশনাল হলো কিন্তু, মানে স্টেপ থ্রি কনসেপ্টটা একটু এক্সেপশনাল হয়েছে। তো বেসিক্যালি এর মধ্যে কোন প্রজেক্টটা নেব তাহলে, যদি আয়ারআর চুজ করতে হয় প্রজেক্ট এ কি প্রজেক্ট বি, কার আয়ারআর বেশি? প্রজেক্ট বি কা আয়ারআর 10%, প্রজেক্ট বি কা আয়ারআর 8%, তো প্রজেক্ট বি না? প্রজেক্ট বি শুড বি চুজেন না, জিসকা হ্যাঁ বল বলবেন হ্যাঁ বল আরেকবার বল ওই ক্যালকুলেশনের প্রসেসটা একবার বলবেন, ওই 1.1 ডিভাইড করে তারপর এটা স্যার আমি বলে দিচ্ছি। যেমন আমাদেরকে প্রথমটা কি করতে হয়েছে 300 ডিভাইডেড বাই 1.1 এটা কত এসেছে 272.72 তাই তো। এবারে সেকেন্ড প্রসেসটা কি, সেকেন্ড প্রসেসটা কি করবি 1.1 ডিভাইডেড, ঠিক আছে ডিভাইড দিবি, ডিভাইড দিয়ে যতটা পাওয়ারে আছে অতগুলো ইকুয়াল মারবি, তো ফার্স্ট ইকুয়াল সেকেন্ড ইকুয়াল, তো পাওয়ারে 2 আছে তাই দুটো ইকুয়াল মারলাম। এবারে ইনটু করব কত যেটা ওপরের ভ্যালু আছে, মানে 200 মানে 165.28 এভাবে হবে। আবার দুবার ইকুয়াল করো আর কিউব থেকে তিনবার রিকোয়েস্ট করো, মানে যতগুলো ডিভাইডের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডিভাইডের ক্ষেত্রে এইভাবে ইকুয়াল মাত্রা। এবারে সেকেন্ড এইটিটা কিভাবে করলাম, যদি 1.1 থাকলো আমার ডিভাইড করে দেবো তাহলে একবার ইকুয়াল দুবার ইকুয়াল তিনবার ইকুয়াল, ওকে আব ইসকো ইনটু কর দেঙ্গে 80 কে সাথে 60.10 বোঝা গেছে রে? Yes, sir. Clear. So this is how conflict can be sorted out. Okay. So NPV or IRR में ऐसा conflict create होता है. Okay. अच्छा. आगे थोड़ा सा लिख ले सर. माने ये basically सर IRR ऊपर हिस्से को लेकिन सब कुछ देखता क्या नॉर्म. Exactly. अच्छा. एक क्वेश्चन घर पे ट्राई करना है,
एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे ट्राई कर दो। अच्छा ये अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मैं तुम लोग को अपलोड इन भी नहीं किसी को परसेंट कैश फ्लो, तो ठीक है लिख लो, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट एट केसी इक्वल्स टू 4% एंड KC equals to 14%। मतलब दो प्रोजेक्ट है ठीक है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ठीक है सर, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी दोनों केस में मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, इसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट ए में आपका ईयर गिवन है, कैश फ्लो गिवन है ठीक है, ईयर दिया है 1, 2, 3, कैश फ्लो दिया है 100, 200, 300 ठीक है, 100, 200, 300। नाउ आपको दो कैश केसी दिया है सर, मतलब केसी एक बार 4% और केसी एक बार 14% है, तो 4% का भी कैलकुलेट करना है, 14% का भी कैलकुलेट करना है, मतलब एक कैलकुलेशन 4% के बेसिस में होगा और एक कैलकुलेशन 14% के कैलकुलेशन में होगा, और दोनों केस में एनपीवी कैलकुलेट करना है। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी भी दिया है आपको, प्रोजेक्ट बी में भी आपको सिमिलरली ईयर दिया है और कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन गिवेन है, ईयर में 1, 2, 3 और कैश फ्लो में 300, 200 and 80। बट दिस टाइम दे आस्क यू फॉर एनपीवी, बट आपको दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, एक 4% वाला एक 14% वाला। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना सर, जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 4% का एक कॉलम होगा और डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 14% का एक कॉलम होगा। अब आप लोग हिसाब लगा लेना कि जब 4% होगा तब एनपीवी क्या होगा, जब 14% होगा तब एनपीवी क्या होगा। मतलब प्रोजेक्ट ए में एक बार 4% एंड 14% एंड प्रोजेक्ट बी के केस में भी सिमिलरली एक बार 4% एक बार 14%। ए बेटा पूछा गया लो, यस सर, ठीक है सर, ट्राई करो हमके पाठानी माने सर हमें गलत दुटो ही बेर को उत्तर है, यस सर, यहाँ पे कैलकुलेट 4 and 14 दोनों कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन, अच्छा एक छोटा सा चीज देखो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, अमाउंट और पैटर्न, अमाउंट इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि पैटर्न इम्पोर्टेंट ज्यादा है? According to IRR, pattern is more important. Therefore, IRR B greater than IRR A. अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ना, ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया ना, उसको सॉल्व करके आप इसका एनालिसिस को लिख सकते हो, फिलहाल इसको छोड़ दो। मतलब पैटर्न इम्पोर्टेंट है कि अमाउंट इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट दिन ही समझा पाऊंगा, फिलहाल इसको आप रब कर लो ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 4 और 14% कर दिया ना, हाँ बोल আপনি
বলো মানে স্যার এটা যদি আমি কতটা ইনভেস্ট করেছি সেটা জানতে না পাই তো সেই ক্ষেত্রে তো স্যার বের করা দরকার ওই ইয়েস 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 কমপ্লিট ইনফরমেশন ইসমে গিভেন নেই হ্যায় ঠিক হ্যায় কমপ্লিট ইনফরমেশন ইয়াহা পর গিভেন নেই হ্যায় মে কোশ্চেন শেয়ার করতা হুঁ কমপ্লিট কোশ্চেন মে শেয়ার করতা হুঁ থোড়া অর ভি ইনফরমেশন হ্যায় কমপ্লিট কোশ্চেন উইল বি প্রোভাইডেড ঠিক হ্যায় আব মে আপকো কুছ দের বাদ শেয়ার করতা হুঁ স্যার কোশ্চেন व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको ओके व्हाट्सएप कर देता हूँ आप लोग ट्राई कर ली एनबीबी और आयर एनबीबी कैलकुलेट करना और उसके बाद उसका एनालिसिस भी देना है ओके फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पे बैक पीरियड में बात करूँगा सर तो वेरी इंपॉर्टेंट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम में सवाल भी होता है पे बैक पीरियड नेक्स्ट क्लास डिस्कशन रहेगा बट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा उसका पहले जवाब दूंगा उसके बाद ही जाऊँगा क्योंकि बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट में बात किया एनबीबी वर्सेज आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट और उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो कैसे डिसीजन लिया जाता है इसका जवाब मुझे पहले देना है और फिर जाके मैं आपको पे बैक पीरियड में डिस्कस करूंगा पे बैक पीरियड एज वेल एज एआरआर मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो बाकी रह गया सर जैसे ये रह गया बाकी ये रह गया बाकी बाकी मैंने बोल दिए एनबीबी बोल दिया अच्छा है पे बैक पीरियड के साथ साथ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी बताएंगे बहुत वाइटल है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है जैसे ये सब हो जाएगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक कंप्लीट हो जाए ठीक है आज मैं इतना ही रखूंगा सर बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूँ ओके संपत नील ओके सर ठीक তো বলছিলাম আমাদের তো স্যার এত বড় কোশ্চেন এক্সামে দেয় নাই মানে আমাদের তো স্যার পার্ট ওয়াইজ আরো কিছু একটা বের করতে দিল কিছু এমন দিল এরকমই তুমি লোগো তুম লোগো সিএস কে কেস মে কমপ্লিট নেই দেতা হ্যায় बट जैसे कोई भी बड़ा क्वेश्चन देके तुमको एक सिंपल एनपीवी कैलकुलेशन पूछ लेगा ठीक है आईआरआर कैलकुलेशन पूछ लेगा कुछ भी पूछ सकता है एक बड़ा क्वेश्चन के पार्ट 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 क्वेश्चन पूछेगा तो इंफॉर्मेशन हम माने सर सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया तो कुछ पार्ट के क्वेश्चन जीएस के लिए सेट ही तो होगा अंदर माने यदि पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन करेगा जानना तो पड़ेगा पूरा अल्टीमेटली यहां पे पार्ट ही तो झमेला पूरा तो जानना पड़ेगा नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे जो है वो है तुम लोग सीखो सर तुम लोग क्वेश्चन पैटर्न के साथ क्या है तुम लोग का क्वेश्चन पैटर्न जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन लेना और सॉल्व करेगा तो हो जाएगा फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर और फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ठीक है सीएसीएस के केस में सीएमए के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं वो लोग आराम से कंप्लीट सॉल्व करे और जो है वही कंप्लीटली करके आए ठीक है सर चलो फिर ओके सर बाय ओके सर गुड नाइट